क्या मैंने उसकी बुरी तरबियत की? बचपन से लेके आज तक मैंने उसके हाथों में फूल और खिलौने थपे। ये पिस्तौल कहां से आ गई उसके हाथ? ये खून खराबा, ये सब वो कैसे करने लगा? कैसे रोज? बेटा तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मास्टर शोएब के हादसे के बाद तुम्हें घर से निकलना ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा अम्मी, और जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रही हूँ तो प्लीज मुझे रख लें। अभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? ये आप ही का ऑफिस है, और आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। बस आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं होगी। आपका मेरी कंपनी ज्वाइन करना, ये आपकी नहीं मेरी खुशनसीबी होगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। Oh my God! तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या तरीका है, मुलाजिम है घर में? यही सोच रही थी कि तेरी दूसरी शादी करवा दूँ, क्योंकि इस रानिया कमबख्त से तो किसी फैज की उम्मीद नहीं। लेकिन ये बता कि शादी के बाद रखेगा कहाँ? वो सब मैं मैनेज कर लूँगा, आप बस रिश्ता लेकर जाने की तैयारियां करें। साजदा ने कितना कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन उन माँ बेटी ने क्या किया? उनकी बेटी को ही बदनाम करके रख दिया। ये हमजा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इस लड़की से शादी करके। जितने तुम्हें पिटते हुए देखने की हिम्मत नहीं है, ये हौसला नहीं। कुछ नहीं होगा, और मुझे अब डर नहीं लगता इन लोगों से। जो करना कर लें आकर, इंसानियत की हर हद तो पार कर ही चुके। मैं उसे इस घर से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक वो और उसकी नानी अपने जुर्म का इतराफ नहीं करेंगी, और अगर इस घर से वो गई भी तो बेइज्जत होकर जाएंगी। ऐसे नहीं। तुम कल क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो ना। कल किस टाइम? यही कोई 5-6 बजे। अरे नहीं यार मसरा, मैं जरूर चलती तुम्हारे साथ घरौंदा, लेकिन मुझे अम्मी के साथ कल 6 बजे एक फंक्शन पे जाना है। तुम खुद से मैनेज कर लो ना प्लीज। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। नहीं सो सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। वैसे एक दफा जो लोग मेरा मिजाज समझ जाते हैं, बारा फिर कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। वो अशरा के लिए जो लड़का देखा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की आपने? कोई मालूमात हुई? हाँ, इन्वेस्टिगेशन कराई है। लड़के के फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, और अपने बेटे पे बहुत मेहनत किया हूँ। इट्स अ नाइस पर्सन, फैमिली भी अच्छी है, ये मुझे तो अच्छे लोग लगे। दिमाग में भी बैठ गया और दिल में भी। क्या मतलब? मतलब आपने इतना अच्छे से समझाया है कि मेरे दिमाग को भी समझ आ गया और दिल को भी समझ आ गया। माने ना माने ना दिल, माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। रायान हमारे सारे एसेट्स अपने सुसर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो,
नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड। उसके लिए भाई और डैडी है ना। रायान अब इस काबिल नहीं रहा कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके या सारा बिजनेस उसके हवाले किया जा सके। बल्कि जो कुछ उसके हाथ में है मुझे तो उसकी भी फिक्र है। अस्सलाम वालेकुम मिस सरीन, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरे ऑफिस में भूल आई थी, मैंने सोचा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं आपको दे दूँ। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारा करीब है, शायद इसी घर में। अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम जमदा के करीब है, हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा सामने तो तुम्हारा कहानी का वो हिस्सा है जिसे सब जानता है। तुम्हारा कहानी तो जारी है, जिसको तुम अपना अंदर छुपा कर बैठा है वो हमारा सामने नहीं है। मैं तो एक खुली किताब हूँ ना बच्चा। इंसान मर जाता है पर किसी पर खुलता नहीं है। नजर से देखना चाहिए उसको, चोर की नजर से देख रहा है। हमको कितना तकलीफ है इस चीज का बता नहीं सकता। इन दीवारों में रहकर मैं कर क्या सकती हूँ? आपका शक गलत है तो साबित करो कि गलत है, करो साबित। खुशी होगा हमको, लेकिन जब तक साबित नहीं होता तब तक शक तो करेगा।